ओके okay, तो आज हम शुरू करते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में रिकॉर्ड टैब क्या काम करता है। देखिए, रिकॉर्ड टैब आपको रिकॉर्डिंग का फीचर दे रहा है। क्या रिकॉर्डिंग दे रहा है? स्क्रीन बेस्ड रिकॉर्डिंग, करंट स्लाइड से करनी है या पहली स्लाइड से करनी है, या आप अगर यहाँ पे मौजूद हैं इस स्लाइड से रिकॉर्डिंग करनी है, उस हवाले से स्क्रीन शॉट्स लेने हैं आपने, स्क्रीन क्लिपिंग मोड ऑन करके यहाँ से ले सकते हैं, और स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है वो यहाँ से कर सकते हैं, वीडियो रिकॉर्ड करनी वीडियो इसकी बरहाल एक्सपोर्ट करनी है, इंपोर्ट करनी है, ऑडियो इंपोर्ट करनी है, एक्सपोर्ट करनी है, सेवेस करना है स्लाइड शो पे, एक्सपोर्ट वीडियो करनी है, कैसे करना है देखते हैं इसको। अब फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर बैठ के यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से कोई चीज़ को रिकॉर्डिंग शुरू करता हूँ, तो मैंने कहा फ्रॉम करंट स्लाइड। तो देखें ये कह रहा है क्या क्या रिकॉर्ड करूँ, स्लाइड एंड एनिमेशन टाइमिंग्स, नरेशन एंड इंक्स एंड लेजर पॉइंटर्स, सबको रिकॉर्ड करेगा ये। तो यहाँ से शुरू होगा रिकॉर्डिंग। अब यहाँ पे एक तो चल रहा है स्लाइड का टाइम और एक चल रहा है ओवरऑल प्रेजेंटेशन का टाइम। यहाँ से मैंने इसको निकला आगे की तरफ, तो ये आगे चला। ओवरऑल प्रेजेंटेशन का जो रिकॉर्डिंग टाइम है वो 10 सेकंड्स हो चुका है, और जबकि इस स्लाइड का जो टाइम है वो 5 सेकंड्स है। फिर मैंने नेक्स्ट कर दिया, फिर यहाँ पर इसका 15 सेकंड, 16 सेकंड ओवरऑल टाइम हो चुका है, और 4 सेकंड इस स्लाइड पर टाइम हुआ। फिर मैंने नेक्स्ट कर दिया, और फिर इसी तरीके से इसका टाइम जो है 4 सेकंड तक पहुँचा, और ये टोटल 25 सेकंड की हो गई। इसको मैंने यहाँ पे स्कैप कर दिया, तो ये इसने रिकॉर्डिंग कर ली। ठीक है, अब आप जाएंगे स्लाइड शॉर्टर व्यू में, तो ये आपको बता रहा है कि पहला स्लाइड, दूसरा स्लाइड, तीसरा स्लाइड, चौथा स्लाइड, पांचवा स्लाइड। अब पांचवे स्लाइड से बता रहा है कि इसका जो ड्यूरेशन है 5 सेकंड है, इसका 6 सेकंड है, इसका 6 सेकंड है, इसका 7 सेकंड है, और यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो बाकियों के ऊपर कोई रिकॉर्डिंग का फीचर बना हुआ नहीं आ रहा। हाँ, अगर अब आप यहाँ से क्लिक करते हैं तो यहाँ से शुरू हुआ रिकॉर्डिंग। अब यहाँ पे एक तो चल रहा है स्लाइड का टाइम और एक चल रहा है ओवरऑल प्रेजेंटेशन का टाइम। यहाँ से मैंने इसको निकला तरफ, तो ये आगे चले। देख रहे हैं ओवरऑल प्रेजेंटेशन का जो रिकॉर्डिंग टाइम है वो 10 सेकंड्स हो चुका है, और जबकि इस स्लाइड का जो टाइम है वो 5 सेकंड्स है। फिर मैंने नेक्स्ट कर दिया, फिर यहाँ पर इसका 15 सेकंड, 16 सेकंड ओवरऑल टाइम हो चुका है, और तो इस तरीके से ये आपकी रिकॉर्डिंग। और साथ साथ आप देखिए इसने मेरी वॉइस को भी रिकॉर्ड कर लिया है, यानी कि अगर मैं थोड़ा खामोश होकर आपको चला के बताऊं तो उसकी थोड़ी सी मुझे वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा। और अब देखिए तो यहाँ से शुरू होगा रिकॉर्डिंग। अब यहाँ पे एक तो चल रहा है स्लाइड का टाइम और एक चल रहा है ओवरऑल प्रेजेंटेशन का टाइम। यहाँ से मैंने इसको निकला आगे की तरफ, तो ये आगे चले। ओवरऑल प्रेजेंटेशन का जो रिकॉर्डिंग टाइम है वो 10 सेकंड्स हो चुका है, और जबकि इस स्लाइड का जो टाइम है वो 5 सेकंड्स है। फिर मैंने नेक्स्ट कर दिया, फिर यहाँ पर इसका 15 सेकंड, 16 सेकंड ओवरऑल टाइम हो चुका है, और फोर। ठीक है, तो इस तरह से स्लाइड शो के लिए इसने ये सारी चीज को यूज कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पे दोबारा से नॉर्मल व्यू के अंदर, और चलते हैं रिकॉर्ड पे। पहला तो हो गया ये स्लाइड शो को रिकॉर्ड किया विद वॉइस, और इसने टाइमिंग भी उसकी नोट कर ली। यहाँ से मैं फ्रॉम बिगनिंग पे क्लिक करूंगा, तो अगर मैं 11 स्लाइड्स पर भी हूँ तो यही प्रोसेस शुरू हो जाएगा फ्रॉम वन स्लाइड से, यानी कि पहली स्लाइड से वो उसकी टाइमिंग भी नोट करेगा, मेरी वॉइस भी रिकॉर्ड करेगा, और अगर एनिमेशन वगैरह लगी होंगी उनको भी रिकॉर्ड करेगा। अब आते हैं सेकंड ऑप्शन, स्क्रीन क्लिपिंग मोड। भाई ये तो स्क्रीन का कोई शॉट लेना है आपने, सपोज टू बी यहाँ पे मुझे कोई फोटो लगानी है, और वो फोटो मुझे अपनी स्क्रीन से लेनी है, डेस्कटॉप पे से लेनी है, या फिर मैंने यहाँ से कोई और वेबसाइट खोल रखी है यहाँ से लेनी है, तो उसके लिए मुझे क्या करना है? सिंपली यहाँ पावर पॉइंट पे आना है और यहाँ से स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक करना है। तो देखें जो पीछे इसके विंडो खुली हुई उसका फोटो भी आ रहा है, और जितनी विंडोज खुली होंगी सबके फोटोज भी आ रहे होंगे, और अगर डेस्कटॉप से कोई एरिया कैप्चर करना है तो यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हैं। ये फोटो लेना है, इस पर क्लिक करेंगे डायरेक्टली ये पूरा फोटो इसके अंदर इसने इंपोर्ट कर लिया, और इसको उठा के मैं यहाँ पे इजीली एडजस्ट कर सकता हूँ। और अगर अपनी मर्जी से मुझे कोई हिस्से का स्क्रीन क्लिपिंग निकालना था तो फिर मैं इंसर्ट में जाऊँगा और यहाँ से क्लिक करके स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक करूंगा। स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक करके जिस हिस्से का भी मुझे क्लिप लेना है उस पर से क्लिक करके वो हिस्सा यहाँ पे सिलेक्ट करके मैं इसका क्लिप लेकर आ जाऊँगा। दिस इज कॉल्ड स्क्रीन क्लिपिंग। फिर चलते हैं रिकॉर्ड के अंदर, नेक्स्ट ऑप्शन है इसके अंदर स्क्रीन रिकॉर्डिंग का। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे तो यहाँ पे से एक फीचर एक्टिवेट हो जाएगा, और ये फीचर एक्टिवेट हो गया स्क्रीन रिकॉर्डिंग का। तो यहाँ पर मैं इसको कहता हूँ कि रिकॉर्ड करना है सिलेक्ट एरिया, तो सिलेक्ट एरिया पे क्लिक करके मैंने कहा किस एरिया की रिकॉर्डिंग करनी है, तो चले हम इतना ही एरिया सिलेक्ट कर देते हैं और इसको रिकॉर्डिंग पे लगा देते हैं, तो ये हमारी शुरू हो जाएगी रिकॉर्डिंग। तो अब ये देखिए, हम जो भी मैं इस पर मूवमेंट कर रहा हूँ आगे पीछे, ये सारी चीज़ें जो भी एक्शंस परफॉर्म करूँगा वो ये सारी वीडियो के तौर पर रिकॉर्ड कर रहा है, और फाइनली जब मुझे इसको स्टॉप करना होगा रिकॉर्डिंग पे तो यहाँ पर क्लिक करूंगा मैं इसको, और जैसे ही स्टॉप करूंगा तो ये वीडियो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगी जो मेरा रिकॉर्ड हुआ था, फिर उसको मैं बाद में इसको प्ले करके यूज कर सकता हूँ। देखिए तो अब ये देखिए, हम जो भी मैं इस पर मूवमेंट कर रहा हूँ आगे पीछे, ये सारी चीज़ें जो भी एक्शंस परफॉर्म करूंगा वो ये सारी वीडियो के तौर पर रिकॉर्ड कर रहा है, और फाइनली जब मुझे इसको स्टॉप करना होगा रिकॉर्डिंग पे तो यहाँ पर क्लिक करूंगा मैं। ठीक है, तो इस तरह से स्क्रीन रिकॉर्डिंग का फीचर आपका इजीली इस पे काम कर रहा होता है। तो इस तरह आप वीडियोस बना के भी अपनी कोई चीज़
सिखा रहे हैं या कोई बना के किसी को देनी है तो इससे भी वो काम आप इजीली ले सकते हैं। फिर रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे, वीडियो पे क्लिक करेंगे तो कोई भी वीडियो आपने इंसर्ट करनी है जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड आपके पास पड़ी है तो वो यहाँ से भी कर सकते हैं। सेम फीचर आपको इंसर्ट में जाके यहाँ से वीडियो का भी मिल जाता है और उसको वहाँ से किया जा सकता है। और फिर रिकॉर्ड पे क्लिक करके कोई ऑडियो ऐड करनी है तो यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं अपने बैकग्राउंड में कोई लगाने के लिए। लेट सपोज यहाँ पे पूरी प्रेजेंटेशन के ऊपर मैं एक ऑडियो लगाना चाह रहा हूँ वॉइस के ऊपर, तो यहाँ पे क्लिक करके मैंने इंसर्ट में चला गया और यहाँ से भी वही फीचर ऐड करा सकता हूँ। सिमिलरली रिकॉर्डिंग में जाके ऑडियो पे क्लिक करके भी वो यहाँ से मैं ऐड करा सकता हूँ। ऐड कराने के बाद सिंपली मुझे कोई एक साउंड चाहिए, ऑडियो MP3 फाइल, यहाँ पे रख के मैंने इसको प्ले इन बैकग्राउंड पे क्लिक कर दिया एंड देन जैसे ही मैंने इसको स्लाइड शो किया तो ये यहाँ पे प्ले हो रहा है और इसकी जो वॉइस है वो आप सुन सकेंगे। तो इस तरह से आप इसके बैकग्राउंड में ऑडियो वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, चाहे तो हर स्लाइड के ऐड में अलग अलग ऐड कर लें और चाहे तो एक ही पे क्लिक करके प्ले इन बैकग्राउंड पे क्लिक कर दें तो सारी ऑडियो के बैकग्राउंड में ऐड हो जाएगी, सारी स्लाइड्स के बैकग्राउंड में ऐड हो जाएगी। रिकॉर्ड के बाद शो एज सेव एज शो और एक्सपोर्ट टू वीडियो का क्या फीचर है, ये कैसे काम करता है, इसमें दो ऑप्शन हैं। जैसे कि मैंने इसकी ट्रांजिशंस अब सेट कर ली यहाँ पर और उसके बाद मैंने यहाँ से इसकी टाइमिंग भी ऑन क्लिक से हटा के आफ्टर कुछ ज़्यादा ही हो रही है इसकी टाइमिंग, इसको 0-0 कर देता हूँ मैं पहले। उसके बाद यहाँ पे मैंने सारी स्लाइड्स की टाइमिंग सेट कर दी 3-4 सेकंड के ऊपर और अप्लाई थ्रू ऑल कर दिया। अब जो भी एनिमेशंस वगैरह जो भी लगाना है लगा दिया और आवाज़ वगैरह जिसमें रिकॉर्ड करनी थी कर दी, बैकग्राउंड पे म्यूजिक भी लगा दिया। ये सारी चीज़ें करने के बाद अब आप इसका जब स्लाइड शो यहाँ करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे परफॉर्म हो रहा होगा कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। अगर ऑडियो होता म्यूजिक तो वो भी बैकग्राउंड में प्ले हो रहा होता, क्योंकि मैंने वो हटा दिया है तो वो प्ले नहीं हो रहा है। चले मैं लगा भी देता हूँ उसको और फिर उसके बाद इसकी शो की तरफ चलते हैं। तो इंसर्ट में जाके या फिर रिकॉर्ड में जाके मैंने यहाँ से इसके बैकग्राउंड में जो भी ऑडियो लगाया था एक दूसरा ऑडियो मैं इसके बैकग्राउंड में ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्लिक करके मैंने इस ऑडियो को फिर बैकग्राउंड में सारी स्लाइड्स पे प्ले कराना है तो यहाँ से क्लिक करके ऑटोमेटिकली पे और फिर मैं इसको कह देता हूँ प्लेबैक, प्ले इन बैकग्राउंड पे क्लिक करके और इस पर देखना तो यहाँ पे क्लिक करके स्लाइड शो करेंगे। ठीक है, तो अब इसको अगर हमने यहाँ पे रिकॉर्ड पे जाके इसको सेव एज शो करना है तो ये एक और फाइल बनाएगा जो कि PPT नहीं होगी बल्कि PPSX फाइल होगी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फाइल। तो यहाँ पर इस फाइल को आप डायरेक्टली यहाँ पे कहीं भी डेस्कटॉप पर या जिस एरिया में चाहें वहाँ सेव कर सकते हैं और जैसे ही आप उसको सेव कर देंगे तो यहाँ से इसको मिनिमाइज करेंगे और इसके बाद ये फाइल आपको यहाँ पे ऐसे नज़र आने लग जाएगी। अब यहाँ पे जो ये फाइल नज़र आ रही है तो इस पर आपने इसको जैसे ही इस फाइल में और उस फाइल में क्या फ़र्क रहेगा, इस दोनों फाइल में ये फ़र्क है कि ये आपकी प्रेजेंटेशन शो फाइल है, इसको जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट स्लाइड शो रन करेगी, मतलब आपको पावर पॉइंट में जाके स्लाइड शो चलाना नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली चल पाएगा जैसे वीडियो चल रही है, नहीं है ना। तो बात तो बात ये होता है कहीं पर डायरेक्टली प्रेजेंटेशन ऑन करनी है तो बस PPSX फाइल बना लें और ये काम इस तरह से कर लें। अच्छा, ये आवाज़ प्ले होती रहेगी और जब एस्केप का बटन दबाएंगे तो डायरेक्टली पावर पॉइंट क्लोज भी हो चुका होगा और पता भी नहीं चलेगा आपको। तो ये PPSX फाइल आप ऐसे बना सकते हैं। सिमिलरली अगर वही काम आपने करना है एक वीडियो फाइल बना के करना है तो फिर पावर पॉइंट खोल लें अपना और वही फाइल आप इसमें लोड कर लें जो आपने इसमें ओपन की थी PPTX फाइल और उसमें जाके फिर आपको रिकॉर्ड में एक्सपोर्ट वीडियो का ऑप्शन मिल जाता है। अब जब वीडियो रिकॉर्ड करने की बात आती है तो ये बनाएगा MP4 फाइल। MP4 फाइल जब वीडियो बनाएगा तो इसमें देखें आप अल्ट्रा HD का भी ऑप्शन आ रहा है, फुल HD का भी ऑप्शन आ रहा है, HD 720 और स्टैंडर्ड साइज का भी ऑप्शन आ रहा है।
तो अब यहाँ पर देखना ये है कि आप इसको किस साइज में सेट करना चाह रहे हैं, अल्ट्रा एचडी, फुल एचडी या फिर एचडी 720 या स्टैंडर्ड 480। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड 480 पे रख के हम इसको जैसे क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने फाइल का साइज आ जाएगा। अब ये इस साइज में आपको जो वीडियो बनानी है तो उस पर क्लिक करके जैसे क्रिएट वीडियो पे क्लिक करेंगे तो ये पूछ रहा है इस वीडियो को कहाँ सेव करना है, ये बनाएगा MP4 फाइल। ठीक है, अब MP4 फाइल जब ये बनाएगा तो क्या नाम रखना है, और ये एक वीडियो फाइल बन जाएगी। वीडियो फाइल का मतलब फिर उसका पावर पॉइंट से कोई ताल्लुक नहीं होगा। तो मैं अभी यहाँ पर वीडियोज में जाके इसको बनाने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर क्लिक करते हैं और इसको सेव कर देते हैं। तो यहाँ पर ये प्रोसेस देखें स्टार्ट हो जाएगा। अब इट विल टेक टाइम के मैंने अभी लोअर रेजोल्यूशन पे बनाया तो ये 10 सेकंड 15 सेकंड में बना देगा। आप अगर इसको 1K 2K 4K में बनाएंगे तो 10 15 20 मिनट भी लग सकते हैं। इसको डिपेंड करता है वीडियो पे आपने कितना काम किया हुआ, उस हिसाब से इसमें ज़्यादा टाइम आपको दरकार हो सकता है। ठीक है, तो जब तक ये वीडियो बना रहा है फिर आगे चलते हैं रिव्यू के अंदर। तो रिव्यू में अगर मेरे इसमें प्रेजेंटेशन में कोई स्पेलिंग ग्रामर मिस्टेक है तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं क्लिक करके। तो अगर मैं थोड़ी सी मिस्टेक कर ही देता हूँ इसके अंदर, तो ये मैंने एक मिस्टेक कर दी है इसके अंदर, और यस स्पेलिंग पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए फ्रीक्वेंटली ढूंढ के मुझे वो मिस्टेक बता देगा, जिसको बाद में मैं चेंज भी कर सकता हूँ और इग्नोर भी कर सकता हूँ। दिस आर इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको किसी भी वर्ड के ऊपर कोई रिसर्च करनी है मजीद तो उसको सेलेक्ट करके डिक्शनरी में ले जाके सर्च कर लें। ये बता रहा है म्यूटेबल, एडजस्टेबल, फ्लेक्सिबल, इसके सारे सिनोनिम्स दे रहा है और साथ में इसका एंटोनियम एडजेक्टिव भी बताएगा और एंटोनियम भी आपको ये बता देगा और उससे सिमिलर वर्ड यानी कि सिनोनिम भी आपको बता देगा। मजीद इसके बारे में पढ़ना है किसी वर्ड के बारे में तो उस पर क्लिक करके और उसको उस पर इंटरनेट पर जाके आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं। चेक अवेलेबिलिटी, ये कुछ खास ऑप्शन नहीं है जिनको हम यूज़ नहीं करते, सर्च भी नहीं कर रहे, ट्रांसलेट भी नहीं कर रहे। ट्रांसलेट के लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हमारे पास एक फीचर मौजूद है जिसका नाम है गूगल ट्रांसलेटर। वो हमें बेहतर चीज़ों को रिजल्ट करके दे देता है। तो बेहतर ये कि आप गूगल खोल लें, इसके लिए इंटरनेट से कनेक्ट होना लाजमी, इंटरनेट कनेक्ट करके देख लेते पहले, एक तो कनेक्ट हो रहा है इसको देखते हैं। उसके बाद यहाँ पर चलते हैं हम और ओके तो ये यहाँ पर आ गया। ये शायद इंटरनेट नहीं चल पा रहा है, शायद इस वजह से नहीं हो पा रहा, तो इसको देखते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट फीचर है, जैसे कि हम इसको देख रहे होते हैं कि पावर पॉइंट के अंदर ही न्यू कमेंट्स का, किसी स्लाइड पर किसी भी कंपोनेंट के बारे में कोई कमेंट देना है जिससे आपका स्लाइड ख़राब ना हो तो यहाँ से आप न्यू कमेंट पर क्लिक करके वो कमेंट यहाँ पर दे सकते हैं। इससे ये होगा कि जब भी कोई आपकी प्रेजेंटेशन देखेगा तो वो इसके बारे में समझ जाएगा कि क्या लिखा गया है, सपोज टू बी नंबर्स वैल्यूज। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे इस तरह से लिख दिया, तो यहाँ पे क्लिक करके जब भी कोई पढ़ना चाहेगा तो इस पर डबल क्लिक करके देख सकता है और अपना कमेंट भी दे सकता है, नेक्स्ट करके, प्रीवियस करके, अगले पिछले कमेंट्स देख सकते हैं और अगर चाहें तो उस पर क्लिक करके इसको डिलीट ऑल कमेंट्स इन प्रेजेंटेशन करके सारे डिलीट कर देंगे, डिलीट कमेंट करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा, इस तरह से ये खत्म हो जाएंगे। कंपेयर, दो स्लाइड्स में अगर आपने कोई कंपेरिजन करना है तो उसको किस तरीके से करेंगे, उसके लिए बहुत आसान तरीका सा यहाँ पे जो इसमें दिया गया है वो ये है कि पहले इसको बंद कर देते हैं, हम दो प्रेजेंटेशन में पहले थोड़ी बहुत चेंजेस कर लेते हैं और उसको फिर कंपेयर करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम चले गए पावर पॉइंट के अंदर और यहाँ पे जाके हमारा जो प्रेजेंटेशन सेव है वेरिएबल के नाम से, चलें ये एक प्रेजेंटेशन ले लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट यूजेज और इसको उठा के एक फोल्डर बना के उसमें रख देते हैं जिसका नाम है कंपेयर। कंपेयर के फोल्डर के अंदर मैंने इसको यहाँ पे रख दिया और ऑलरेडी कह रहा है कंपेयर का फोल्डर बना हुआ, तो फिर जब मैं सर्च कर रहा हूँ तो फिर मिल रहा है। ये देखिए इस कंपेयर के फोल्डर में मैंने दो प्रेजेंटेशन बनाई हुई है, दोनों एक जैसी दिखने में, एक ओरिजिनल और एक का नाम रिविजन रखा हुआ है। तो अब यहाँ पे रिवीजन में जाके हम कुछ और चेंजेस कर देते हैं, जैसे मैं सिंपल सी चेंजेस कर रहा हूँ कि यहाँ पर लिख रहा हूँ SRK, ठीक है, और यहाँ पे जाके मैं लिख रहा हूँ SM और उसको क्लोज कर दिया। ओरिजिनल प्रेजेंटेशन को मैंने खोलना है और
खोलने के बाद यहाँ से मुझे उसके अंदर जाना है कंपेयर के फीचर के अंदर, तो इंसर्ट में जाएंगे, रिव्यू में जाएंगे, कंपेयर पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से वो वाली प्रेजेंटेशन बताएंगे जो आपकी दूसरी वाली है। और इसमें जाने के बाद आप दूसरी प्रेजेंटेशन को सिलेक्ट करेंगे, ये दोनों का कंपैरिजन करेगा। अब इसको यहाँ से हम करते हैं, रिव्यू दिया इसने हमें, हाँ ये बता रहा है कि इंसर्ट कन्वर्ट टू राशिद, तो यहाँ पे देखिए, और डिलीट बिकम राशिद, इसमें ये एक चेंजेस हैं। दोबारा इसको नेक्स्ट करते हैं और इसके अलावा इन्वेंशन की चेंजेस हैं। अच्छा, अब इसको हम रिव्यू कर रहे हैं यहाँ पे पेन के ऊपर, तो यहाँ पे देखिए बता रहा है कि इसमें ये चेंजेस की गई हैं, ठीक है। हालांकि ये मैंने नहीं पहले की हुई है चेंजेस, जो अभी लास्ट चेंजेस की गई थी वो भी बताएगा अभी। कंटिन्यू करते हैं, तो यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट, अगली स्लाइड पर चलते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर ऑल चेंजेस पे बता रहा है, कन्वर्ट इंसर्टेड कन्वर्ट और डिलीटेड कन्वर्ट। अच्छा, इस वाली पे आई थिंक सो, मैं एक बंद करके इसको दोबारा से एक नई प्रेजेंटेशन पे खोलता हूँ मैं उसको, पावर पॉइंट, और यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन इंसर्ट रिव्यू कंपेयर पे क्लिक करते हैं, यहाँ से पावर पॉइंट में चले जाते हैं और यहाँ से कंपेयर वाली प्रेजेंटेशन में चले जाते हैं, एक ओरिजिनल वाली। अच्छा, अब यहाँ पे ये फीचर दे रहा है कि इसके अंदर मर्ज आप नहीं कर सकते, तो इसका मतलब एक प्रेजेंटेशन के अंदर दूसरी को मर्ज किया जाएगा। अब यहाँ पर आप देखते हैं कि हमने जो चेंजेस की थी क्या वो सेव हुई थी, ये SRK की चेंजेस इसमें हैं और SM की चेंजेस भी, और यहाँ से ओरिजिनल वाली को खोलते हैं, उसमें देखें कुछ इस तरह की चेंजेस आपको नज़र आ रही हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो अब यहाँ पे जाके इंसर्ट रिव्यू में यहाँ ऑप्शन है कंपेयर का, तो ये तो ओरिजिनल वाली ऑलरेडी से मैंने उसको ओरिजिनल से ही कंपेयर कर दिया था, इसलिए मसला हो रहा था। तो पावर पॉइंट में चाहते हैं अब इसको यहाँ से सिलेक्ट करके, और ये ओरिजिनल वाली प्रेजेंटेशन खुली हुई है, इसको मैं कंपेयर करने लगा हूँ दूसरी प्रेजेंटेशन के साथ जिसका नाम है रिवीजन, ठीक है। और उसको मर्ज करने की कोशिश करते हैं, तो देखिए इसने इसको मर्ज किया, कहाँ कहाँ मर्ज किया या नहीं किया, अभी हमारा जो चेंज है वो उसमें नहीं आ रहा, लेकिन इन पे आप क्लिक करके पढ़ेंगे तो ये कह रहा है ऑल चेंजेस टाइटल वन प्रोडक्टिविटी और राशिद एफिशिएंसी, ठीक है ना। इसमें दो चेंजेस की गई हैं, यानी कि एक तो प्रोडक्टिविटी की और एक एफिशिएंसी की, और यहाँ पर जो चेंजेस बता रहा है कि ऐड किया गया स्टैटिक्स का वर्ड ऐड किया गया, इन्फॉर्मेशन का वर्ड ऐड किया गया, SRK का वर्ड ऐड किया गया, और यहाँ पर जो चेंजेस बता रहा है वो बता रहा है कि इन्वेंशन का वर्ड है और फाइंड्स का वर्ड इसके अंदर ऐड किया गया है वो यहाँ बता रहा है, और यहाँ पर जो चेंजेस बता रहा है कि वो इंसर्ट किया गया है कन्वर्ट वर्ड और डिलीट किया गया है बिकम वर्ड। तो अब हम अगर ये चेंजेस एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से जाएंगे एक्सेप्ट ऑल चेंजेस पे क्लिक कर देंगे, तो देखेंगे कि उस स्लाइड की जो सारी चेंजेस थी वो आप इसके साथ मर्ज हो जाएंगी और इसमें वो ऐड हो जाएंगी। और अगर हम ऐसा नहीं चाहते तो फिर हम एक दफ़ा अंडू कर रहे हैं और रिजेक्ट पे जाके कहेंगे रिजेक्ट ऑल चेंजेस, तो आप देखेंगे वो सारी चेंजेस जो स्लाइड की थी वो इसमें कोई भी इम्पैक्ट नहीं डालेगी। फिर कंट्रोल जेड करके कुछ चेंजेस चाह रहे हैं कि वो एक्सेप्ट हो जाए, जैसे कि हम चाह रहे हैं कि इस वाली स्लाइड के ऊपर जो कुछ चेंजेस हैं ये चेंजेस हैं या ये चेंजेस हैं, या फिर इस स्लाइड में जो ये वाली चेंजेस हैं जो हमने ऐड की थी ये एक्सेप्ट हो जाए, तो इसको आप एक एक करके एक्सेप्ट कर लें और बाकी जो नहीं चाह रहे हैं उनको रिजेक्ट कर दें, ठीक है ना। जैसे कि अगर हम ये नहीं चाह रहे तो इसको हम यहाँ से जाके रिजेक्ट कर देते हैं, तो वो चीज़ें ऐड नहीं होंगी और जो एक्सेप्ट करेंगे वो ऐड उसमें हो जाएगी। एंड रिव्यू करेंगे तो फिर ये रिव्यू यहाँ पे एंड हो जाएगा और उसके बाद ये वाला पैनल यहाँ से गायब हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारे ऑप्शन इसके ऊपर इजीली काम कर रहे होते हैं।